सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 15 एक्सरसाइज फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट इन द फर्स्ट ब्लैंक्स हीट HEAT हीट एंड लाइट LIGHT लाइट सेकेंड द मून MOON मून शाइन्स इन द स्काई एट नाइट थर्ड स्टार्स Stars twinkle in the sky at night. TWINKLE. Fourth, the sun rises. RISES. Rises in the east. Second exercise, write T for true and F for false. First, the sun looks small because it is very far from us. Sun हमें छोटा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. So, this one is true. Write T. सेकेंड स्टार्स आर ओनली ए फ्यू इन नंबर्स स्टार्स कुछ ही नंबर्स में होते हैं कि हम उन्हें काउंट कर सके सेकेंड क्या ऐसा होता है नो सो दिस वन इज फॉल्स राइट हियर एफ थर्ड द मून चेंज इट शेप एवरी नाइट मून अपना शेप हर रात को बदलता रहता है सो दिस वन इज ट्रू फोर्थ वी सी द सन ड्यूरिंग द नाइट हम सन को रात में देखते हैं No, this one is wrong. So, right here, F, false. Third exercise, answer the following. First, when does the sun rise? Sun कब निकलता है? So, यहाँ पूछा गया है कब निकलता है? किधर निकलता है? किस दिशा में निकलता है? ये नहीं पूछा गया है. So, the answer is the sun rises in the morning. Sun rises in the morning. Second, where does the sun set? Sun यहाँ पे अब क्या वेयर डस मतलब कहाँ डूबता है द सन सेट्स इन द वेस्ट सन कहाँ डूबता है वेस्ट में सो द आंसर इज द सन सेट्स इन द वेस्ट थर्ड क्वेश्चन नेम थ्री शेप्स ऑफ द मून मून के थ्री शेप्स के नाम लिखने हैं नो मून हाफ मून एंड फुल मून नो मून हाफ मून एंड फुल मून Thank you, class.